हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। और जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट, आप सभी जानते होंगे कि अब हम यूट्यूब के साथ साथ प्ले स्टोर पर भी आ चुके हैं। यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन, और प्ले स्टोर पर आपको हमारा ऐप मिलेगा सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। आप देखें, आपको सक्सेस क्लासेस एजुकेशन पर इस तरह का लोगो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये लोगो आपको लगा हुआ, वहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड, क्योंकि इस बार जितना भी आपको कंटेंट मिलने वाला है वो सभी ऐप पर मिलने, ये जो वीडियो आपको यूट्यूब चाहिए ये आपको डेमो के तौर पर हम प्रोवाइड कर। तो आज का जो हमारे मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स। इस सब्जेक्ट के बारे में अगर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं बच्चों, तो फुल्ली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। आप जब इसका पेपर देखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल ही, पहले जो सब्जेक्ट चलता था वो इंजीनियरिंग मैकेनिक अलग चलता था और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अलग चलता। इसी बार से, इस बार से जो आपका बनाया गया है उसमें कुछ पोर्शन, लगभग 50% पोर्शन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ऐड कर दिया गया है और 50% पोर्शन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ऐड, दोनों को मिलाकर एक सब्जेक्ट बनाया गया है। दोनों ही अपने आप में एक वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल पोर्शन है पूरा का पूरा, तो पढ़ने में मज़ा आएगा, ये ध्यान रखें, पढ़ने में मज़ा आने वाला है। न्यूमेरिकल आपको मैं ऐसे सिखा दूंगा बच्चों कि आप ध्यान रखिएगा कि 70 out of 70 आपके आने वाले इस सब्जेक्ट में, तो मेरी गारंटी है कि आप 70 out of 70 लाने वाले, ठीक है नहीं। तो अगर बच्चों आपने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया हमारा, तो आप ऐप डाउनलोड करते 1 अप्रैल से आपको इसी सब्जेक्ट की कंटिन्यूस क्लास मिलती चली जाए, ठीक है नहीं। 1-2 लेक्चर आपको डेमो के तौर पर मैं यूट्यूब पर भी जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप थोड़ा बहुत जज कर सके कि किस तरह का सब्जेक्ट है, क्या कहता है, ठीक है नहीं। तो बच्चों देखिए, सब्जेक्ट की या सिलेबस की बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ आपको यूनिट 1 पर। यूनिट 1 के अंदर आपके 3 चैप्टर, यूनिट 1 के अंदर 3 चैप्टर हैं और लेंथी है। मैं आपको बता दूं, जो आपका सिलेबस है बहुत लेंथी सिलेबस है। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई एग्जाम टाइम में पढ़ लूंगा या एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ लूंगा, तो भैया आप निश्चित मान के चलिए सब्जेक्ट में बैक लग जाए। ये सब्जेक्ट आप तभी क्लियर कर सकते हैं जब आप स्टार्टिंग से इसे पढ़ना शुरू करें, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं। तो फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे आपका रिव्यू ऑफ टू डायमेंशनल फोर्स कौन से होते हैं, कोप्लेनर फोर्स, नॉन कोप्लेनर, उनके बारे में आप पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ सिंपल सिस्टम इन्वॉल्विंग इन फ्रिक्शन पढ़ेंगे, यानी फ्रिक्शन भी इसके अंदर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, फ्री बॉडी डायग्राम है और कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट या कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। उसके बाद ट्रस आपका आ जाता है, ट्रस बहुत अच्छा टॉपिक, आपको मजा आएगा पढ़ते हुए, फुल्ली न्यूमेरिकल है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ट्रस का, सिंपल ट्रस क्या होता है, सॉल्यूशन क्या है सिंपल ट्रस का, और इसके अंदर 2 मेथड होते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। किसी भी ट्रस को सोल्व करने के मेथड 2 होते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, दोनों पर न्यूमेरिकल मैं आपको यहां पर कराने वाला। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है बच्चों बीम में आप क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट पढ़ेंगे, फिर SFD BMD पढ़ेंगे। SFD BMD होता है आपका शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। उसके बाद आप पढ़ेंगे डिफरेंट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसके अंदर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पढ़ेंगे, और स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम, स्टैटिकली डिटरमिनेंट क्या होता है वो भी आपको बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा पोर्शन आपका फुल्ली न्यूमेरिकल पोर्शन यूनिट 1 में आप पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर डेरिवेशन भी मतलब नाम मात्र के बराबर है, मैं आपको बता दूं नहीं है, थ्योरी भी ना के बराबर है, बस कॉन्सेप्ट है वो सिखाने हैं, कॉन्सेप्ट सीखो न्यूमेरिकल में अप्लाई करो, ये काम करना है। तो फुल्ली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है बच्चों, आप जल्दी से जल्दी ऐप से परचेज कर लीजिएगा, बहुत ही कम आपको जो है कम प्राइस पर सब्जेक्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप हर बच्चा इसे, हर लेवल का बच्चा इसे पढ़ सके, और ये मेरी गारंटी है बच्चों की जब आप पढ़ेंगे तो 70 out of 70 आप ले आएंगे।
कि आप इससे आप बिल्कुल नहीं। अब यूनिट टू पर चलता हूं। यूनिट टू में आप दो चैप्टर पढ़ेंगे। यहां फर्स्ट चैप्टर है आपका सेंट्रोइड एंड मूवमेंट ऑफ इनर्ट। इसके अंदर आप पढ़ेंगे आप सेंट्रोइड किसका, प्लेन का, कर्व का, एरिया का और वॉल्यूम का और कंपोजिट बॉडीज का, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंट ऑफ प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सब कुछ आप पढ़ने वाले हैं बच्चों, सेंट्रोइड एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पूरा का पूरा इसके अंदर एक दो डेरिवेशन है और सब थ्योरी, सॉरी न्यूमेरिकल है। थ्योरी इसके अंदर नाम मात्र के, कॉन्सेप्ट है, एक दो डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल। उसके बाद आप पढ़ेंगे कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कंपाउंड स्ट्रेस स्ट्रेन में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इसका, नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड सेक्शन, स्टेट्स ऑफ प्लेन स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मोर सर्किल फॉर प्लेन स्ट्रेस, थ्योरी ऑफ फेलियर, स्ट्रेन एनर्जी, इंपैक्ट लोड एंड स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस। ये सारे के सारे टॉपिक आप यूनिट सेकंड में पढ़ते हैं। तो दो यूनिट का सिलेबस मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा ऐप के बारे में। आपको ऐप देख सकते हैं कि ऐप का नाम आप यहाँ पर दिख रहा होगा, सक्सेस क्लासेज। ठीक है, नाम में ही सक्सेस है, ठीक है। नहीं, सक्सेस क्लासेज एजुकेशन से आप जुड़ेंगे तो सक्सेस आपको निश्चित रूप से मिलने वाला, ठीक है। नहीं तो नाम भी हमारा देखिए इससे एक अलग ही मोटो निकल के आता है कि सक्सेस क्लासेज से हमें, ठीक है। नहीं तो सक्सेस क्लासेज एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लें, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको पोस्ट के बारे में बता दूं कि आपकी जो हमने मिनिमम जो पोस्ट रखी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, वो रखी है 349 रुपये, 349 रुपये में ये कोर्स आपको मिलने वाला, ठीक है। इसके साथ साथ आप या तो टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ रहे होंगे या आप पढ़ रहे होंगे ह्यूमन वैल्यू। इन दोनों का अगर मैं इंडिविजुअल प्राइस देखूं तो 199 रुपये है, 199 रुपये में आपको मिलता है। तो कुल मिलाकर प्राइस हो जाता है आपको 540। लेकिन अगर आप दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बो खरीदते हैं तो दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बो खरीदने के लिए आपको केवल और केवल 399 रुपये खर्च करने पड़े, ठीक है। नहीं यहाँ पर आपको एक कूपन मिलेगा सुपर 150। ये सुपर 150 जो कूपन है बच्चों, ये मैकेनिकल के केवल स्टार्टिंग के 150 बच्चों के लिए है। उसके बाद आप ये कूपन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इस ऑफर का बच्चों लाभ उठाएं। क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत से बच्चे खरीद भी चुके हैं तो ये सुपर 150 जल्दी से जल्दी कवर ना हो, इसलिए आप जो है जल्दी से इसे परचेज कर लें। क्योंकि इसके बाद यही कोर्स आपको 499 रुपये में मिलने लगेगा। वैसे इसकी कॉस्ट 548 रुपये है अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं, लेकिन 548 में हमने कॉम्बो का प्राइस रखा 499, और शुरू के 150 बच्चों के लिए कूपन कोड लगाया सुपर 150। आप इसे सेलेक्ट करें तो इसके लिए केवल आपको खर्च करना, तो 399 रुपये में आपको दो सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अकेला सब्जेक्ट खरीदेंगे तो 349 में, तो 50 रुपये में अगर दूसरा सब्जेक्ट और ऐड हो रहा है तो बढ़िया बात है, ठीक है। नहीं दो सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, तो आप बच्चों परचेज कर लीजिए। परचेज करने के बाद मैं आपको बता दूं ऐप पर आपको 1 अप्रैल से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद कुछ कोर्स आप यहाँ से भी पढ़ रहे होंगे। देखिए मैं आपको क्वेरी होगी कि सर ये मैथमेटिक्स, कुछ बच्चे मैथमेटिक्स कोर्स पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे ह्यूमन वैल्यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनके लिए अगर आप अलग परचेज करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स 4 का प्राइस है 349, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है 349, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है 349 और टेक्निकल और UHEV का है 190। ये इंडिविजुअल, आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, या हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर देखिए चलता हुआ मिल रहा होगा, एक वाइट कलर की पट्टी रेड कलर से लिखी, इस पर भी आप व्हाट्सएप या कॉल करके कॉन्टैक्ट करें, वो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर किया जाए। तो बच्चों देर ना करें, जल्दी से जल्दी परचेज करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो सुपर 150 का कूपन है वो आप बाद में अप्लाई ना कर पाए, ठीक है। नहीं
तो इसके बाद देखिए बच्चों हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की। और बच्चों वेट ना करें, कुछ बच्चे भी सोच रहे हैं सर अभी तो बहुत समय है, अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुई, खरीद लेंगे बाद में। ये समय बर्बाद नहीं करना है, वरना ये समय फिर आपको बर्बाद करने में लग जाएगा। ये ध्यान रखना, आपको टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। यूनिट थर्ड की अगर बात करूँ, यूनिट थर्ड में आप तीन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका स्ट्रेस इन बीम। स्ट्रेस इन बीम में पढ़ेंगे आप प्योर बेंडिंग, नॉर्मल स्ट्रेस इन बीम, शियर स्ट्रेस इन बीम ड्यू टू ट्रांसवर्स एंड एक्सियल लोड एंड कंपोजिट बीम, ये आप पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस इन बीम। उसके बाद डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ेंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इलास्टिक कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड बीम, मैक्यूले मेथड, एरिया मूवमेंट मेथड एंड फिक्स एंड कॉन्टिन्यू, ये आप डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में पढ़ने वाले हैं। ये भी टोटली न्यूमेरिकल है, ये भी टोटली न्यूमेरिकल है। इसके बाद टोर्जन में आप टोर्जन पढ़ेंगे, कंबाइंड बेंडिंग एंड टोर्जन ऑफ सॉलिड एंड होलो शाफ्ट पढ़ेंगे, टोर्जन ऑफ थिन वॉल ट्यूब पढ़ेंगे। ये भी पूरा का पूरा इसके अंदर कुछ डेरिवेशन भी और न्यूमेरिकल, तो आपकी ये वाली यूनिट भी फुल्ली न्यूमेरिकल रहने वाली, ठीक है। यूनिट फोर्थ की अगर बात करूं, यूनिट फोर्थ में आप पढ़ेंगे हेलिकल एंड लीफ स्प्रिंग। हेलिकल एंड लीफ स्प्रिंग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे आप डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग अंडर एक्सियल लोड एंड अंडर एक्सियल ट्विस्ट फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक। एक्सियल लोड एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट एक्टिंग साइमल्टेनियसली बोथ फॉर ओपन एंड क्लोज कॉइल्ड स्प्रिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लेमिनेटेड स्प्रिंग का चैप्टर है। स्प्रिंग कैसे काम करता है, कौन कौन से फोर्स स्प्रिंग पर लगते हैं, उन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस। उसके बाद आता है कॉलम एंड स्ट्रट। कॉलम एंड स्ट्रट्स में देखिए आप क्या पढ़ेंगे, कॉलम एंड स्ट्रट्स में आप पढ़ेंगे बकलिंग एंड स्टेबिलिटी। उसके बाद पढ़ेंगे आप स्लेंडरनेस रेशियो, कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस। उसके बाद आप पढ़ेंगे मिडिल थर्ड एंड मिडिल क्वार्टर रूल्स, स्ट्रट्स विद डिफरेंट एंड कंडीशन, ट्यूलर थ्योरी फॉर फिन एंडेड कॉलम, इफेक्ट ऑफ एंड कंडीशन ऑन कॉलम, बकलिंग रैंकिंग। ये सारा का सारा पोर्शन जो आपको है ये पूरा आप न्यूमेरिकल पढ़ने वाले, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है। इसके अंदर दो ही सब्जेक्ट अच्छे हैं, एक अप्लाइड थर्मोडाइनमिक्स और आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत कम कीमत पर प्रोवाइड। आप बच्चों को ऑफलाइन कहीं किसी से पढ़ेंगे ना तो इसी सब्जेक्ट के 2.5 से 3 हज़ार रुपये ले लेगा, और उसके घर आप डेली जाओगे और डेली अपने घर आओगे, यानी 20-30 रुपये का तेल भी भूकोगे बाइक में, आने जाने में टाइम भी वेस्ट करोगे, ओके नहीं करोगे। और ये क्या है ऑनलाइन में भाई, कंटेंट तो आपको पूरा मिल रहा है, नोट्स मिल रहे हैं, हर चीज़ आपको समय पर मिल रही है, और आप अपने समय के अकॉर्डिंग अपने घर बैठकर किसी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, आपके मोबाइल में पूरा डाटा पड़ा है, आप उसे किसी भी समय यूटिलाइज कर सकते, क्लियर है। नहीं तो जो आप 1.5 GB आपको डेली मिलता है उसका यूटिलाइज करने का समय आ गया है। अब रील नहीं देखनी, अब क्या देखना, अब रियल देखना, ये रियल है, ठीक है। नहीं तो रील से रियल पर आना है, ये ध्यान रखना, ठीक। लास्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं। देखिए लास्ट यूनिट में बच्चों आपको क्या मिलने वाला है, लास्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे थिन सिलेंडर एंड स्पेयर और थिक सिलेंडर। ये यूनिट बहुत ईजी यूनिट है, है न्यूमेरिकल, इसके अंदर डेरिवेशन भी है न्यूमेरिकल भी, लेकिन बहुत ईजी रहने वाली। इसमें आप पढ़ेंगे थिन सिलेंडर का इंट्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन थिन वाल एंड थिक वाल प्रेशर बाय वेजल, थिन वाल स्पेयर एंड सिलेंडर, हूप एंड एक्सियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक, ये पूरे के पूरे टॉपिक आप थिन सिलेंडर में पढ़ने वाले। थिक सिलेंडर की बात करूँ तो थिक सिलेंडर में आप पढ़ेंगे रेडियल एक्सियल एंड सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस इन सिलेंडर सब्जेक्टेड टू इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर कैसे एक्ट करता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, कंपाउंड सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेस इन रोटेटिंग शाफ्ट एंड सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, और स्ट्रेस ड्यू टू इंटरफेरेंस फिट्स इसके बारे में आप डिस्कस। तो देखिए यहाँ पर जो आपको सिलेबस आपको देखा, आप तो कुछ बच्चे देख रहे होंगे सर ये तो हमने इसमें तो कुछ पढ़ा ही नहीं, पहली यूनिट से तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बाद में तो सब हवा सर के ऊपर से गया होगा। लेकिन जब एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे ना बच्चों, एक एक चीज़ आपकी माइंड में सेट होने लगे, हर न्यूमेरिकल को आप करने लगे, ठीक है। नहीं
तो एग्जाम में देखिए कभी भी रटा रटा है न्यूमेरिकल नहीं आता, कुछ भी आ सकता है न्यूमेरिकल। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, किसी भी न्यूमेरिकल में आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे आप उसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देर ना करें, ऐप को डाउनलोड करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को हमारे शेयर करें, यूट्यूब चैनल को शेयर, और सुपर 150 का जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठाएं। ऐसा ना हो कि आपको फिर बाद में 399 की जगह यानी 100 रुपये आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च करना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, करेंगे के लिए धन्यवाद।